हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। चौबे जी, कल जो छात्र संघ को लेकर के प्रशांत किशोर के खिलाफ बैठे थे धरने पर बीजेपी के विधायक, उस पर क्या कहेंगे, क्या हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी में? मुझे लगता है जो भी छात्र संघ के चुनाव में ये हरकतें हो रही है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और अनैतिक और लोकतांत्रिक है। आपको लगता है कि कोई साजिश हो रही है विद्यार्थी परिषद में, जैसा आपने मुझे कहा? मुझे तो अस्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में दो दिन पहले रातों रात लगता है पुलिस महकमे के सारे, लगता था विद्यार्थी परिषद में कोई आतंकवादी घुस गया था क्या? आपने क्यों वहां जाकर के, और जिस प्रकार से आपने वहां छापा मारने का काम किया, विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने का, निश्चित रूप से ऐसे पुलिस कर्मियों को दंडित करना चाहिए। ये लोग दंडित करने के लायक हैं, और सरकार से, मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि जो भी पुलिस कर्मी है और जिस दबाव के कारण ये हुआ, ऐसे लोगों को सामने लाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रशांत किशोर वीसी से मिलने गए, उसके बाद ही ये बवाल बढ़ा। भाई, अब कौन किससे मिलने गया ये मैं नहीं जानता हूँ। विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में छापा पड़ा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और सवाल है कि तेजस्वी के बंगले को आज खाली कराया, काफी पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, लेकिन मामला कोर्ट में है। उनका कहना है कि जब कोर्ट में मामला है तो फिर कार्रवाई क्यों? कोर्ट ने आदेश दिया था और वो नियम संगत है, इसलिए कार्रवाई तो होना ही चाहिए। उनको पहले ही मतलब जो बंगलो है उसको सुपुर्द कर देना चाहिए। ये कोई मामला है क्या? जबरदस्ती हम बंगला हथिया लेंगे? वो क्या समझा कि वो जमाने का राजपाट है? बेतिया के चंदापुर गांव में सीएम नीतीश कुमार